शेखर और विशाल, इनका अपना एक स्टूडियो है और कई दिन, कई रातें, कई सुबह हमने इन दोनों के साथ बिताई हैं इनके स्टूडियो में। किसी खास वजह से नहीं, केवल इस वजह से कि हम दोनों को और हम सबको संगीत का शौक है और रात बिरात हम लोग कभी जा कर के बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, कभी कोई धुन निकल आती है, कोई गाना गा देता है, फिर उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, किसी खास वजह से नहीं। लेकिन एक बात हमने देखी कि जब भी कोई अच्छी धुन निकलती है तो उसका जो एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन हो या उसका कोई मीटर हो कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, वो इससे होती है कि जब आपके रोटे खड़े हो जाएं तो ये धुन अच्छी बनी है। आज निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हनुमान चालीसा सुनते हुए हमारे रोटे खड़े हो गए। अब पता नहीं ये केवल मेरे साथ हुआ है या औरों के साथ भी हुआ हो, मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे जैसे इंसान वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जाता है, धर्म की ओर वह और ज़्यादा आकर्षित होता जाता है। अपने बारे में तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन इनके लिए मैं नहीं कह सकता। ये अभी युवावस्था में है और इनके सामने बहुत वर्ष आगे भी बाकी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर धर्म की ओर ये आकर्षित हुए हैं तो कहीं ना कहीं इनके संस्कारों ने इनका साथ दिया है। जो इनके संस्कार थे, इनके माता पिता के, इनके परिवार के, उनकी वजह से ये इन्होंने हनुमान चालीसा बनाया है। तो मैं उनके उन संस्कारों को नमस्कार करता हूँ और आशा करता हूँ कि हम सब के संस्कार इसी तरह प्रोत्साहित होते रहें और इसी तरह शेखर जैसे और भी अन्य लोग इस दिशा में जाएं। अनेक अनेक धन्यवाद आपका। एक्चुअली मेमोरी ऑफ माई ग्रैंड मदर ट्रिगर्ड ऑफ एन इंपल्स टू रिकॉर्ड हनुमान चालीसा। इट हैपेंड आफ्टर आई वाज रिकॉर्डिंग अ फिल्म सॉन्ग इन द स्टूडियो एंड एवरीवन हैड लेफ्ट बाय 7:30। तो 7:30 के बाद मैं अकेला बैठा हुआ स्टूडियो में, तो मैंने सोचा ये मैं बनाऊँ। उसका एक वक्त होता है, उसका एक आई थिंक एक आशीर्वाद होता है ऊपर वाले का, देयर इज अ टाइम टू इट, एंड इट हैपेंड इन दैट टाइम। इन अबाउट 2 hours आई रिकॉर्डेड दिस एंटायर हनुमान चालीसा। ये एक्चुअली 2.5 साल पहले एक सिलसिला शुरू किया था सिंगल्स का, मैंने खुद का म्यूजिक है, खुद गाया हुआ है, और ये मेरा एक पर्सनल एक्सप्रेशन है। विशाल मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, हम लोग साथ में बॉलीवुड के लिए करते हैं, लेकिन ये मेरे इंडिविजुअल एफर्ट्स है। सर, हनुमान चालीसा 4000 साल से सुपर हिट है, तो अभी और तो मीन्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट एन एक्सपीरियंस, इट्स जस्ट समथिंग विच आप जो दिल से निकली हुई आवाज़ है, इट्स समथिंग इट्स पॉपुलर, मीन्स द पॉपुलरिटी ऑफ हनुमान चालीसा समथिंग विच आई थिंक वो बरसों से हम सुनते आ रहे हैं। जो आप धुन की बात कर रहे हैं, हर आर्टिस्ट ने अलग अलग रूप से उसको प्रस्तुत किया है, और वो मेरी एक छोटी सी कोशिश है। राग जो है, राग मैंने इनसे अभी गाड़ी में इनके साथ आ रहा, तो मैंने पूछा कि कौन सा राग, तो उन्होंने बताया यमन कल्याण। और राग जो है वो निरंतर होता है, किसी भी राग में आपको ये चीज गा दीजिए, क्योंकि राग जो है, जो उसमें तत्व होता है, उसमें जो अपनापन होता है, वो संसार को लेकर के, वातावरण को लेकर के ये सारी धुनें और राग बनाए जाते हैं, ये निरंतर है। कुछ भी गाएंगे उस राग में, वो हमेशा निरंतर ही रहेगा। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.